सो आज की वीडियो इज अबाउट गाइटन का चैप्टर नंबर 4, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आपके पास पैसिव और एक्टिव और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट आते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पैसिव और एक्टिव आपके गाइटन के चैप्टर नंबर 4 में प्रेजेंट है, जबकि वेसिकुलर आपको गाइटन के चैप्टर 2 में और हिस्टोलॉजी जो कि लाइक हुसैन बुक है उसके भी चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगी। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपकी दो टाइप्स आती हैं, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, कोई इसमें आपको एनर्जी नहीं चाहिए होती है, एंड बाय द काइनेटिक मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अच्छा, अब सिंपल डिफ्यूजन में या तो आपके पास जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूज कर जाएंगे, या ये वाया द चैनल प्रोटीन्स हो सकती है। ठीक है, चैनल प्रोटीन ज्यादातर एक्वापोरेंस होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपका कैरियर प्रोटीन करता है, कैरियर प्रोटीन जो है वो बाइंड हो जाता है उस मॉलिक्यूल के साथ जिसे उसने डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन करना होता है। सही है, सो यहाँ पर आपकी यही लिखा हुआ है, इधर आपकी एक्वापोरेंस के बारे में लिखा हुआ है। फिर हम आ जाते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ चैनल्स में। अब जो सोडियम चैनल्स हैं वो सोडियम को ट्रांसपोर्ट करेंगे और जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम पोटेशियम चैनल्स देखें, पोटेशियम चैनल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी चार चेन्स हैं इसमें, ऊपर इसके ये पोल लूप्स बने होते हैं, ये पोल लूप्स आगे जाके एक सेलेक्टिविटी फिल्टर बना देते हैं। सही है, इस सेलेक्टिविटी फिल्टर के अंदर होता है आपका कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन क्या करता है आपके पास कि जब पोटेशियम आइंस आते हैं तो उनसे वाटर को ले लेता है ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ठीक है, और एज अ रिजल्ट डिहाइड्रेटेड पोटेशियम आइंस डिफ्यूज होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप वन के एलिमेंट्स देखो तो पहले आपके पास हाइड्रोजन आता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एलिमेंट जो है वो बढ़ता चला जाता है। सो सोडियम इससे पास इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सोडियम का साइज छोटा है और पोटेशियम आइन का साइज ऑफकोर्स बड़ा है। तो ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन और सेलेक्टिविटी फिल्टर ऐसे प्लेस होता है कि यह सिर्फ पोटेशियम आइन को कैच कर सकता है, सोडियम आइन को नहीं कर सकता। ठीक है, यही सब इधर बताया हुआ है इस पेज पे, पेज नंबर 49 पे, कि टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन है। लेट मी फोकस इट, ओके। सो बस यही सब बताया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर यह बता दिया है कि आपके सोडियम चैनल्स जो होते हैं उनका गेट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है, पोटेशियम चैनल्स का गेट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है, दैट इज ऑल। एंड देन गेटिंग ऑफ प्रोटीन चैनल्स में ये बताया कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स वोल्टेज के एप्लीकेशन से खुलते हैं और केमिकल गेटेड चैनल्स तब खुलते हैं जब उनके साथ कोई केमिकल लगता है, जैसे कि इसमें स्टाइल कोलिन चैनल की एग्जाम्पल दी है कि जब स्टाइल कोलिन आके उसके साथ लगता है तो एक नेगेटिवली चार्ज पोर ओपन होता है जिससे कि आपके पॉजिटिव आइंस या फिर अनचार्ज मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं। सही है, और ये ओपन और क्लोज स्टेट में आपको बस ये पता होना चाहिए कि चैनल्स ऑलवेज वर्क इन ऑल और नन फैशन। ठीक है, पैंच क्लैम मेथड करने की जरूरत नहीं, एक्सपेरिमेंटल वर्क करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है, दैट इज ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये ग्राफ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ये है कि इसमें ये बताया है कि फॉर एग्जाम्पल आप कंसेंट्रेशन ऑफ सबट्रांस इंक्रीज करते जब जाते हो तो सिंपल डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होता है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक जगह आके रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन तो डायरेक्टली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हो रही है या चैनल प्रोटीन्स के थ्रू हो रही है, लेकिन ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसके लिए कैरियर प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स अगर आपके सारे ऑक्यूपाइड हो गए तो चाहे आप कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज भी करते जाओ आपका रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं इंक्रीज होगा, जबकि सिंपल डिफ्यूजन तो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रही है, वो तो आप जितने सब्सटेंसेस होंगे उतनी जल्दी हो सकती है, या चैनल प्रोटीन्स में भी डायरेक्टली वो जल्दी जल्दी सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं। सही है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्राफ। उसके बाद हम चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अच्छा नहीं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसमें इन्होंने तीन फैक्टर्स का बताया। वो ये कि कंसंट्रेशन, क्योंकि अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन होती है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। वोल्टेज, लाइक योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वाई इज़ दैट? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं, एक साइड पे आपने नेगेटिव पोटेंशियल डाली, एक साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ऑफकोर्स नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, वो साइड पे मूव करेगा। एंड देन थर्ड इज़ योर प्रेशर, प्रेशर लाइक आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो अपोजिट साइड पे ऑफकोर्स मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, अपोजिट साइड पे डिफ्यूजन होगी जहाँ पे प्रेशर कम होगा। सही है, और इस डायग्राम में ये बताया कि डिफ्यूजन होती कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड है, जब ये आके किसी भी बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होता है तो आपके कैरियर प्रोटीन के अंदर ये अब आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, क्योंकि ये कैरियर प्रोटीन करा रहा है। कैरियर प्रोटीन के अंदर कोई कन्फर्मेशनल चेंज होता है जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल हो जाता है, वो सब्सटेंस डिफ्यूज हो जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स आते हैं जिसमें एक GLUT4 आता है, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है और इसको आपकी इंसुलिन एक्टिवेट करती है। इस तरीके से इंसुलिन ग्लूकोज का ब्लड में लेवल कम करती है और उसको विद इन द सेल फैसिलिटेटेडली डिफ्यूज कर देती है। ठीक है, यहाँ पे यही सारा इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है।
सही है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑस्मोसिस है, इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस पता होनी चाहिए, सही है। और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इट इज़ द प्रेशर नीड टू रिक्वायर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी की भी सिर्फ डेफिनेशन वैसे ही इतना आता नहीं होता। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी आती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो एनर्जी आपको ATP से मिलती है, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो एनर्जी आपको मिलती है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। और ये दोनों की दोनों ट्रांसपोर्ट्स कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होती हैं। अगर हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल की बात करें, सो वी हैव सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। उसमें 3 सोडियम आइंस आउटवर्ड जाते हैं तो 2 पोटेशियम आइंस इनवर्ड जाते हैं, और अंदर आपके पास इनसाइड ऑफ द जो ये जो कैरियर प्रोटीन होता है इसके इंट्रा सेलुलर सर्फेस के ऊपर ATPase एक्टिविटी हो रही होती है कि ATP ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो रहा होता है। और ये इलेक्ट्रोजेनिक पंप है। इलेक्ट्रोजेनिक इसलिए क्योंकि जब 3 सोडियम आउटवर्ड जाते हैं 2 पोटेशियम इनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिविटी इनसाइड द सेल जो है वो मेम्ब्रेन मेंटेन होती है, सही है। और ये सेल वॉल्यूम कंट्रोल भी करता है क्योंकि ऑलरेडी आपके सेल के अंदर बहुत नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स और आइंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से होना क्या चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज आइंस को हमेशा इनसाइड द सेल मूव करना चाहिए, और उसकी वजह से तो सेल अल्टीमेटली तो बर्स्ट आउट हो जाएगा। लेकिन ये पंप जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करके रखता है, तो इसकी वजह से ये सेल वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो यही सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, सही है। उसके बाद ये कि ये पंप आपका रिवर्स भी जो है वो एक्ट कर सकता है, इट कैन ऑल्सो एक्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन, और वो तब होता है जब आपकी ये जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आइंस की एनर्जी है, मतलब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आइंस के डिफरेंस की वजह से एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो ATP से जनरेट होने वाली एनर्जी को एक्सीड कर जाए, तो फिर ये होगा कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाएंगे और उससे ATP बनेगा और ये पंप अपने रिवर्स डायरेक्शन में एक्टिव हो जाएगा, सही है। उसके बाद यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोजेनिक होता है। फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल में कैल्शियम पंप भी आता है। अच्छा, अब सेल में क्या होता है कि इंट्रा सेलुलर साइटोसोल जो होता है वहाँ पे कैल्शियम की कंसेंट्रेशन कम मेंटेन करनी होती है, जिसकी वजह से होता ही है कि या तो आप मतलब साइटोसोल में आप कैल्शियम की कंसेंट्रेशन कम कैसे रख सकते हो कि या तो आप कैल्शियम को आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट कर दो या आप कैल्शियम को इंट्रा सेलुलर वेजिकुलर ऑर्गेनल्स में ट्रांसपोर्ट कर दो, और ये दोनों ट्रांसपोर्टेशंस वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती हैं और इससे साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल कम मेंटेन होता है, सही है। फिर हाइड्रोजन पंप है आपके पास। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ जो स्टमक होता है वहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन होती है क्योंकि HCl रिलीज होता है स्टमक में, ठीक है। लेट डिस्टल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ किडनीज में होता है, वहाँ पर ये हो रहा होता है कि आपके पास जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो फ्रॉम द ब्लड इनटू यूरिन सिक्रीट आउट होते हैं वाया द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही है। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी आपको मिलती है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आइन की वजह से, और वो फर्दर 2 ट्रांसपोर्ट्स में डिवाइडेड होती है, को एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि 2 सब्सटेंसेस एक साथ मूव करते हैं, एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि 2 सब्सटेंसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये है कि थ्रू आउट द बॉडी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है बाय डिफ्यूजन, लेकिन इंटेस्टाइन में एपिथीलियल सेल्स में रेनल एपिथीलियल सेल्स में को ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज होती है, ठीक है। और सोडियम एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होती है, सोडियम की अमाइनो एसिड्स के साथ भी को ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें 5 अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, और ये को ट्रांसपोर्ट हेल्प करती है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू ब्लड, सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास काउंटर ट्रांसपोर्ट का भी बता दिया। अच्छा, फिर आपके पास आता है, अब आ जाती है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेलुलर शीट। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेलुलर शीट में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सेलुलर शीट में ज़्यादातर इस तरह की ट्रांसपोर्ट आपको एपिथीलियल सेल्स में देखने को मिलती है, क्योंकि एपिथीलियल सेल्स में ना सेल जंक्शंस होती हैं, सही है। और ये जो सेल जंक्शंस हैं ये क्या करती हैं, ये एपिथीलियल सेल्स को कनेक्ट करती हैं, इनके बारे में डिटेल में आप हिस्टो में पढ़ लोगे, सही है। लेकिन सेलुलर शीट में होता यह है कि एक साइड ऑफ द सेलुलर शीट पर आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है एंड दूसरी साइड पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, एक साइड पे सोडियम आएगा वाय द डिफ्यूजन एंड दूसरी साइड पे सोडियम जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। और उसके साथ वाटर आपका मूव आउट करेगा वाय द ऑस्मोसिस, ठीक है। उसमें अब आपके पास ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैकेनिज्म के थ्रू ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये आपके पास ज्यादातर कहाँ होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है, इंटेस्टाइनल एपिथीलियल में होता है, एपिथीलियम ऑफ रेनल टिब्यूल्स में होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस को इंक्रीज करने के लिए, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट पे, जो कि है वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट। ये फर्दर डिवाइडेड होता है एंडो और एक्सोसाइटोसिस में। एज द नेम इंडिकेट्स, एंडोसाइटोसिस में आपका सब्सटेंस इनसाइड द सेल मूव करेगा, एक्सोसाइटोसिस में आउटसाइड द सेल मूव करेगा। एंडोसाइटोसिस में आती है पिनोसाइटोसिस, जिसमें फ्लूइड फिल्ड सैक अंदर आता है। फेगोसाइटोसिस, जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल अंदर आएगा, ठीक है। ये आपने FSC में भी पढ़ा होगा कि एक लार्ज मॉलिक्यूल अंदर आता है, सेल उसे इनक्लोज करके एक फेगोसोम बना लेता है, फेगोसोम से आके एक लाइसोसोम अटैच होता है, लाइसोसोम के एंजाइम फेगोसोम के
पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं, ये सारा प्रोसेस एफएससी में पढ़ा होगा, तो यही सब है यहाँ पर। फिर उसके बाद एंडोसाइटोसिस की थर्ड टाइप आती है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें ये होता है कि कार्गो रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्लैथरिन कोटेड पिट्स बनाते हैं। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। पहले आप ये देख लें कि हिस्टोलॉजी में ये जो लाइकोसेन है उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ योर सेल, ठीक है, वहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और गाइडन में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ योर सेल अगेन, सॉरी इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, जर्नल फिजियोलॉजी और जो सेल, वहाँ पर भी आपको ये जो है ना गिवन है। यस, यहाँ पर आपको गिवन है इंजेस्टन बाय द सेल, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइट। ये सब आप देख सकते हैं कि क्लैथरिन कोटेड पिट्स कैसे बनते हैं और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कैसे होती है। तो इसमें ये वाले जो पर्पलिश से ब्लैकिश से सब्सटेंसेस हैं, ये आपके वो सब्सटेंसेस जो कि ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल होने हैं। ये ग्रीन वाले आपके कार्गो रिसेप्टर्स आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है। और ये जो आपकी पिंकिश सी लाइन्स हैं ना, इन लाइन्स को आप लाइक क्लैथरिन प्रोटीन्स होती है, क्लैथरिन प्रोटीन्स जो होती हैं वो इंट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं, सही है। अब जब ये सब्सटेंस जो भी ट्रांसपोर्ट होना होता है ये आके इन कार्गो रिसेप्टर से अटैच होता है, तो ये कार्गो रिसेप्टर स्टिमुलेट करते हैं अंदर वाली क्लैथरिन प्रोटीन को, वे एक क्लैथरिन कोटेड पिट बना ले, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी सेल मेम्ब्रेन से डिस्पैच हो जाती है और वो अंदर आके इस तरीके का एक वेसिकल बना लेती है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है कि रिसेप्टर इसे जो है ना वो मेडिएट करता है, वाय द हेल्प ऑफ द रिसेप्टर्स हो रही हो तो हम इसे रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं, सही है। सो दिस इज़ ऑल इसमें। अब आपके जो हिस्टो का चैप्टर नंबर 2 है इसमें जो चीज़ रह गई है इंपॉर्टेंट वो सेल जंक्शन है, तो वो हम नेक्स्ट एक वीडियो में कवर कर लेंगे। वैसे बाकी ये पूरा का पूरा चैप्टर इज ऑल रिलेटेड टू योर एफएससी, सो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। ऑफकोर्स आई एम ट्राइंग टू मेक माई इंट्रोज एंड आउट्रोज मोर प्रोफेशनल एंड आई होप दैट विद टाइम आई लर्न इट। एंड ऑफकोर्स डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।